हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? बढ़िया रहना चाहिए दोस्तों। तो आइए, आज एक और सुनहरे सफ़र पर लेकर चलता हूँ। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, बेहतरीन जो है टनल्स, और ये टनल्स है दोस्तों मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। तो चलते चलते दोस्तों मैं आपको एक विवरण बता दूँ मुंबई पुणे एक्सप्रेस का। यह महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा विकसित मुंबई पुणे एक्सप्रेस देश के पहले राजमार्गों में से एक है। इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1990 में की गई थी और इसे पूरा होने में 12 साल लगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस को 2002 में जनता के लिए खोल दिया गया था और शुरुआत में इसका नाम दोस्तों यशवंत राव चव्हाण एक्सप्रेस था। एक्सप्रेस में 6 लेन हैं और 2 कैरिजवे के साथ 4 एक्सेस नियंत्रण टोल प्लाजा हैं दोस्तों, है ना। मुंबई पुणे एक्सप्रेस के मार्ग पर 5 इंटरचेंज हैं, जिनमें कौन चौक, खालापुर, कुसगांव और तालेगांव शामिल है। और कुल आवागमन का समय बोलें तो पहले जहां 4 से 5 घंटे लगते थे, वहां अभी 2 से 3 घंटे लगते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की अगर लंबाई की बात करें तो ये है 94.5 किलोमीटर लंबा है दोस्तों, और ये 6 लेन चौड़ा है। और अगर इसकी जो है लागत की बात करें दोस्तों तो 16.3 बिलियन इसमें लगे हैं रुपयों में दोस्तों, है ना। और अगर इसकी प्रारंभ और समाप्ति कहाँ से कहाँ तक है तो वो मैं बता दूँ, नवी मुंबई के कंबोली से शुरू होकर पुणे के किवाले पर ख़त्म होती है दोस्तों। और ये मुंबई से 8.5 किलोमीटर के बाद ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है दोस्तों नवी मुंबई से। दोस्तों मुंबई पुणे एक्सप्रेस में आपको 6 टनल्स मिलेगी जिसकी टोटल लंबाई जो है 5.72 किलोमीटर है दोस्तों, है नहीं, यानी कि 5,724 मीटर की ये पड़ती हैं सुरंग्स। बहुत ही सुंदर सुरंग्स हैं, वेंटिलेटेड हैं दोस्तों। दोस्तों ये तो रहा मुंबई पुणे एक्सप्रेस का विवरण, लेकिन हमें कहीं और चलना है। हमें चलना है दोस्तों भीमा शंकर। तो हमारा गंतव्य रहेगा भीमा शंकर, जिसका मैं विवरण थोड़ा सा आपको बता दूँ दोस्तों। मुंबई से अगर भीमा शंकर की बात करें दोस्तों तो 193 किलोमीटर पड़ता है। और जो तलेगांव है दोस्तों, वहाँ पे हम इस एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे। तलेगांव से भीमा शंकर की दूरी 80 किलोमीटर है दोस्तों, तो हम उसके बाद में जो है अलग रास्ते से चलेंगे जैसा मैं आपको बता रहा था। तो दोस्तों हम आ रहे हैं मुंबई से नवी मुंबई होते हुए, लोनावाला हमें पड़ेगा बीच में, तलेगांव हम इस एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे दोस्तों, है ना। और दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि इस एक्सप्रेसवे पे 2-व्हीलर अलाउ नहीं है दोस्तों, है ना। 2-व्हीलर यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप देख रहे होंगे कार की स्पीड यहाँ पे दी हुई है 100 किलोमीटर, और जो ट्रक्स वगैरह हैं उनकी ही स्पीड यहाँ पे दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन जो है एक्सप्रेसवे है दोस्तों, बड़ा मज़ा आया। दोस्तों मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे ही जैसे मैंने बताया लोनावाला भी पड़ता है, एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है दोस्तों लोनावाला। तो फिर किसी एक ट्रिप में मैं लोनावाला का विजिट भी करूँगा और आप लोगों को भी वहाँ पर लेके चलूँगा, है ना। लोनावाला आपने सुना होगा दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन जगह है वो। और ये देखे दोस्तों, मैंने एक्चुअल में स्पीड 4x की हुई है, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, तो 4 गुना की हुई है दोस्तों। और अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे सामने, ये तलेगांव का टोल है। तो तलेगांव से ही हम एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे दोस्तों, और उसके बाद हम चलेंगे लगभग 80 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंचेंगे दोस्तों भीमा शंकर। तो दोस्तों टोल के बाद में कहीं पे भी एक रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहाँ पर थोड़ा चाय पानी लेंगे, उससे क्या है कि हमें भी आराम मिल जाएगा और गाड़ी भी को भी आराम मिल जाएगा। तो देखते हैं थोड़ा आगे चल के कि कोई एक जगह मिल जाए जहाँ पे चाय पानी हो जाए, तो चाय पानी ले लेते हैं। आइए दोस्तों, तो भीमा शंकर के लिए निकले थे, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता पानी लिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक जगह है, और वो सामने आपको ट्रैफिक चल रहा है वो है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। तो बहुत बढ़िया सड़क है, अभी यहाँ से ये रोड छोड़ के फिर हम भीमा शंकर की तरफ निकलेंगे, तो बने रहिए। और ड्राइवर जी तो साथ रहते ही हैं, और हमारे साथ श्रीतिक भी है। हेलो, श्रीतिक है हमारे साथ, और हमारे साथ दीपिका भी है। तो आज चल रहे हैं भोले शंकर के दर्शन करने, भीमा शंकर। तो ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, और हम अब थोड़ी सी देर के बाद इसको छोड़ देंगे भीमा शंकर के लिए। बहुत बेहतरीन रोड बना हुआ है, आप देख रहे होंगे,
और इस पे गति सीमा दे रखी है कार के लिए 100 किलोमीटर पर आवर। तो काफ़ी अच्छा रोड है, आप देख रहे होंगे। लोनावाला होते हुए हम लोग आए हैं बॉम्बे से, लेकिन हमारा टारगेट है आज हमारे भोले शंकर, भीमा शंकर। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो दोस्तों अभी हम एक्सप्रेसवे छोड़ देंगे, सीधे पूना चले जाएंगे और लेफ्ट हैंड से भीमा शंकर। तो हम लोग लेफ्ट हैंड से निकल चुके हैं अभी एक्सप्रेसवे छोड़ के, तो अभी हम भीमा शंकर की तरफ जा रहे हैं। भीमा शंकर के बारे में आपको सभी को पता होगा जो दोस्तों, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है दोस्तों भीमा शंकर। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। एक तो भीमा शंकर हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया और ग्रीनेश्वर हो गया दोस्तों, है ना। तो 3 ज्योतिर्लिंग है जिनमें से हम लोग जो है आज भीमा शंकर जाएंगे। और दोस्तों ये जो लेफ्ट हैंड से एक सड़क आ रही है, ये भी टोल से आ रही थी लेकिन हम थोड़ा आगे निकल गए थे, और ये अभी राइट हैंड से हम लोग भीमा शंकर के लिए निकल चुके हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो ये तलेगांव से होकर हम लोग जा रहे हैं, तो आगे देखते हैं दोस्तों कैसी रोड मिलती है। तो आगे एक्सप्रेसवे का तो तुलना नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे तो लाजवाब था दोस्तों। तो ये ब्रांच रोड देखते हैं दोस्तों कि कितना टाइम लगता है 80 किलोमीटर में। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, और मैं साथ में आपको विवरण देता रहूँगा यहाँ का। आप देख रहे होंगे हम चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, भोले शंकर के दरबार में हाजिरी देने दोस्तों। और ये एक्चुअल में दोस्तों ये इंडस्ट्री एरिया है यहाँ का, तो इसी बीच से हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो काफ़ी इंडस्ट्रीज जो हैं देखने को आप भी देख रहे होंगे, सामने दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी जो है अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि भोले शंकर के द्वार पे जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों ये विंड मिल हैं, आपने देखा होगा विंड एनर्जी जो है इन्हीं से उत्पन्न होती है, ये आप सामने देख रहे होंगे विंड मिल। तो ये रास्ते में था तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाया जाए। और दोस्तों रास्ते में एक जगह रुक गए थे, तो ये देखिए दोस्तों व्यू, देखिए दोस्तों गजब ब्यूटीफुल, आप चारों तरफ का व्यू देख रहे होंगे। और रोड दोस्तों यहाँ से सिंगल रोड शुरू हो गई है एक्चुअल में, आप देख रहे होंगे। और मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि वहाँ पे सामने विंड मिल है, तो अभी जूम करके मैं दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे पहाड़ी पे आपको चारों तरफ विंड मिल दिखाई देंगे दोस्तों, है ना। जैसे ही आप तलेगांव से और जो है भीमा शंकर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत विंड मिल दिखाई देंगे दोस्तों, है ना। पूरी पहाड़ियों पे जो है पूरे विंड मिल लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे सिंगल रोड है जैसा मैं बता रहा था, और ये देखिए पहाड़ों के नज़ारे दोस्तों, और ये हरियाली बेहतरीन, ये देखिए दोस्तों ब्यूटीफुल दोस्तों, अमेजिंग, शहरों से दूर। तो ये गाड़ी खड़ी हुई है दोस्तों, और उधर सिंगल रोड है दोस्तों, है ना। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक शेर बना रखा है, खरवली करके एक जगह है यहाँ पे जहाँ हम रुके थे, ये देखिए। और चलते हैं फिर आगे की तरफ, बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये आप रोड देख रहे होंगे दोस्तों, सिंगल ही रोड है यहाँ पे, और रोड की कंडीशन भी उतना अच्छी नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन जाना था तो हम लोग जाना ही है इस रोड से, लेकिन उतना अच्छा रोड नहीं था दोस्तों। दोस्तों व्यू तो बहुत सुंदर है यहाँ के, और सड़कें भी कभी उतार और कभी चढ़ाव के बीच में चले जा रहे हैं दोस्तों। तो हम पहुँचने वाले हैं अभी भीमा शंकर। ये किस चीज़ का भैया? एंट्री फी है। अच्छा, तो भीमा शंकर में भाई आपको एंट्री फीस भी देना होगा, 50 रुपये है गाड़ी के साथ में। तो ये क्या जगह है? निगडाली। तो निगडाली में जो है 50 रुपये का ये लगेगा एक टोल टैक्स करके, क्या है ये? फॉरेस्ट, ये वन जीव विभाग पुणे। तो इसका आपको देना पड़ेगा 50 रुपये का।